अगर आप विदेश जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी कोई डॉक्यूमेंट है तो वो है पासपोर्ट और वीज़ा। विदेश जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि कई बार ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट लोगों से खो जाता है या फिर सामान के साथ चोरी हो जाता है। ऐसे में बिना पासपोर्ट के तो आप फ्लाइट में नहीं बैठ सकते, इसलिए आपको पासपोर्ट खोने या चोरी होने के बाद उसे दोबारा बनवाने का तरीका भी पता होना चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में लोग इसे दोबारा बनवाने के लिए गलत कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं और फिर पासपोर्ट लंबी प्रक्रिया में फंस जाता है। ऐसे में डिपार्टमेंट और आवेदक दोनों परेशान होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ जरूरी स्टेप्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें पासपोर्ट खो जाने पर आपको ध्यान में रखना होगा। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक जिलों के पासपोर्ट भी दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जारी किए जाते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में पासपोर्ट सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। पासपोर्ट विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिन आवेदकों के पास पासपोर्ट चोरी या खो जाते हैं वो जल्दी पासपोर्ट पाने के लिए आवेदन के समय बेवजह सामान्य कैटेगरी की जगह तत्काल कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं। इस वजह से तत्काल श्रेणी के ऑनलाइन स्लॉट भी अनावश्यक रूप से बुक हो जाते हैं और जिन आवेदकों को तुरंत पासपोर्ट की ज़रूरत होती है उन्हें आवेदन के लिए ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल पाता, जबकि तत्काल कैटेगरी में नए पासपोर्ट और रिन्यूअल के लिए ही आवेदन कर सकते हैं जब आवेदक को इसकी तत्काल ज़रूरत हो। लेकिन पासपोर्ट खो जाने या चोरी हो जाने पर भी लोग तत्काल में आवेदन कर रहे हैं। जांच के दौरान ऐसे आवेदनों को रोक दिया जाता है। इन आवेदनों पर आपत्ति के बाद आवेदकों को क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया जाता है और उनसे या तो दोबारा समान श्रेणी में आवेदन करने को कहा जाता है या उनकी सहमति के बाद आवेदन को तत्काल से समान श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाता है। दरअसल तत्काल योजना में आवेदक को पहले पासपोर्ट जारी किया जाता है और बाद में पुलिस सत्यापन होता है। चोरी या गुम होने के बाद किए गए तत्काल श्रेणी के आवेदन में ये आशंका बनी रहती है कि आवेदक की ओर से जानकारी छिपाई जा सकती है, इसलिए सत्यापन के बाद ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि पासपोर्ट खो जाए या फिर चोरी हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। दरअसल पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो सकता है, इसलिए आपको इसे संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी हाल में इसे दूसरे के हाथ में ना पड़ने दें। आपको जैसे ही पता लगता है कि आपका पासपोर्ट खो या चोरी हो गया है तो इसकी सूचना खुद जाकर पास के पुलिस स्टेशन में तुरंत दें। इसके बाद अगर आपके पासपोर्ट का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल होता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर आप विदेश में हैं और आपका पासपोर्ट खो जाता है तो आप इसकी जानकारी अपने देश के दूतावास को भी दे दें, जिससे कि आपके पासपोर्ट को रद्द किया जा सके और विदेश में आपकी पहचान को लेकर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। अब पासपोर्ट खोने या फिर चोरी होने के बाद इसे दोबारा बनाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। खोए पासपोर्ट को जारी करने के लिए समान श्रेणी में आवेदन करें, साथ में पुलिस कंप्लेन की कॉपी जमा करें और पासपोर्ट कैसे और कहां खो गया इसका एफिडेविट के साथ अन्य डॉक्यूमेंट भी जमा करवाएं। घर के प्रूफ, जन्मतिथि के प्रूफ के अलावा ओरिजिनल और मौजूदा एड्रेस से संबंधित प्रमाण पत्र जमा करें। ऑनलाइन आवेदन के साथ फीस जमा कराकर अपॉइंटमेंट ले लें। इसके बाद अपॉइंटमेंट की निर्धारित तारीख पर पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका पासपोर्ट मिल जाता है तो भी आपका मूल पासपोर्ट रद्द ही माना जाएगा। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।